और अभी मैं धो लेती हूँ अपने बर्तन, जो कि बहुत ज्यादा बहुत ही गंदा है। रात को नहीं धोए थे, रात को धोने से काम कम रहता है, लेकिन रात को ठंडी बहुत थी इसीलिए नहीं धो पाई। अभी कर रही हूँ, मन नहीं हो रहा है। ओरियो सोया हुआ है, नहीं तो आप देखते किस तरह परेशान करता है मुझे। और हाँ, मैंने झाड़ू भी नहीं दिए हैं। अब सोचिए कितना ठंडा में आलस हो रहा है। मैं अब फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैं जल्दी से बर्तन धोते धो धो कर और लगा भी लेती हूँ साथ साथ में, ताकि किचन साफ सुथरा दिखे। और सुबह का समय होता है तो फटाफट सारे काम करने होते हैं, तो ऐसा लगता है कितना जल्दी बर्तन और किचन का काम खत्म हो जाए, ताकि जल्दी से नहा धो लूँ। तो मैं भी अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, मैंने बताया ना ब्रेड और जैम बच्चों ने खा लिया है, तो मैं अभी फटाफट नाश्ता तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन दोपहर का खाना में ही लग जाऊँगी। बहुत गंदे हो रखे थे गैस, तो वो भी मैं पोछ लेती हूँ, क्योंकि रात को मैंने बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं किया था। रात को खाना बनाने के बाद खाकर हम लोग सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडियों में ऐसे भी आलस आती ही है, सबको रहती है आलस सुबह सुबह, लेकिन करना ही पड़ता है। और ये मेरा हो गया देख किचन साफ, और अब मैं दे दूंगी झाड़ू। और ये हो गया मेरा किचन बिल्कुल साफ। क्या हुआ ऑडियो, सो जाओ सो जाओ, मुझे झाड़ू देना है। गुड बाय, सो जाओ। बेडशीट अगर मैं अच्छे से लगा भी दूँ, और कहीं भी अगर इसका कोना थोड़ा सा भी नीचे हो तो रियो खींच कर खराब कर देता है, तो इसीलिए। और देखिए देख भी रहा है, ये देखिए तैयार बैठा है खींचने के लिए, है ना। बहुत ज्यादा बदमाशी करता है बहुत। तो सो रहा था ना ओरियो, ये लेके जा अपना बॉल, ले अपना बॉल, ले जाओ अपना बॉल, बॉल ले लो, जाओ, गुड बाय। हाँ बॉल ले लो, जाओ बॉल लेकर। सारा डॉल हाउस खराब कर दिया है इसने। यह है डॉल हाउस दीदी का, जो इसने तोड़ दिया है। निकाल निकाल कर सारी चीज को बाहर कर दिया। ने
मानता ही नहीं है, बॉल नहीं लेगा, बाकी कचरे से खेलेगा। बदमाशी करता है और यो मैं लेट हो रही हूँ, हटो। क्या क्या खाते रहता है? अभी ड्राई क्लीन किया है, अभी ड्राई नहला दूंगी मैं, चलो। मुझे काम नहीं करने दे रहा है लड़का, हटो हटो। ओरियो मैं लेट हो रही हूँ, ओरियो आप देख रहे हैं ना, देखिए देखिए इस बच्चे को, दूसरे बच्चे दिखा दो मैं, एक मिनट, ये देखिए इस दूसरे बच्चे को, ना मुझे झाड़ू देने देता है, सब जगह सुसु, हर जगह सुसु। अभी मैं इसको रख देती हूँ इसके बास्केट में, चलो 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 चलो, मैं तुम्हारे तुमको बास्केट में ही रख देती हूँ, आ जाओ आ जाओ। अब जब तक मेरा काम नहीं होता रहो बास्केट में ही, मुझे झाड़ू देना है, रहो बास्केट में ही, झाड़ू देकर तुरंत निकाल देती हूँ, तब तक तुम बैठो इसी में, बैठो गंदा कर रहा है, बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ तुरंत, आ रही हूँ आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ मेरा बेटा, आ रही हूँ आ रही हूँ, मम्मी झाड़ू देकर आ रही है। देख ये क्या है, सब गंदा करके रखा है, लो उतर ही गया ये, माय गॉड, मैंने झाड़ू दे लिया है, आपने देखा कितना परेशान करता है, और अब मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, तो मैं थोड़ा चाय बना लेती हूँ, उसके बाद पोछा दूंगी, या पोछा इसके सोने के बाद दूंगी। तो आ गए हम किचन में, मैं चाय बना लेती हूँ।
इसमें थोड़ा सा दूध था तो मैं इसी में चाय बना ले रही हूँ। और मुझे आपसे एक बात कहनी है। एक जो मेरी सब्सक्राइबर है या व्यूअर है, उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैंने कई बार वीडियो में दिखाया भी है कि मेरे हस्बैंड आर्मी में है। और एक ने पूछा था कि आप कहाँ, एक क्वार्टर कहाँ पर है, तो मैं उन्हें बता दूं कि एक क्वार्टर सिलीगुड़ी में है। और एक दो और लोग थे जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं और स्नैक्स बनाऊं और हेयर डीप हेयर ऑयलिंग पे वीडियो बनाऊं, तो वो नहीं हो पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, मैं जरूर कर दूंगी। जब मैं काम करूंगी तब मैं बिल्कुल भी नहीं खेलता। और अभी देखिए बॉल से खेल रहा है, देखिए देखिए जब मैं काम करती हूँ तब ये नहीं खेलता, तब ये मेरे पीछे पीछे रहता है, मुझे परेशान करता है। और अभी मैं किचन में आ गई चाय बनाने, तो ये खेलने लगा। मेरा चाय हो गया है गरम। छान लेती हूँ। मेरा हो गया नहाना, और आज मैंने बाल से पानी नहीं डाले, बस कंधे से ही नहा लिया है। और बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा पतले हो गए, देखिए बिल्कुल झाड़ू जैसा पतला बाल। क्या करूं समझ में नहीं आता। बाल को कंघी करके बस अभी हो रहा है दोपहर का। दोपहर का कितना टाइम हो रहा होगा, 1 बजने वाले हैं। मैंने खाना पीना बना लिया है। प्रांजल देख रही है, हंस रही है कि मम्मी को ठंडा लग रहा है। ठंडा तो बहुत ज्यादा है। और अब मैं खाना निकालूंगी सबके लिए। चिक्कू चिक्कू सा लग रहा है। तो बस ये ब्लॉग यहीं तक।